हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम राजीव एंड वेलकम यू ऑन योर ऑन स्टडी चैनल कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो जैसा कि दोस्त आप जान रहे हैं कि कुछ ही दिनों में एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम होने वाली है और आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसमें भी कंप्यूटर आईटी लिटरेसी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी एग्जामिनेशंस को देखते हुए मैंने 250 क्वेश्चंस का संग्रह किया है जो कि विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और इनका सीरीज बाय सीरीज कर कर करके इन्हें हम अच्छे से समझ कर कर करके स्मरण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आईटी लिटरेसी को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और थोड़ी छोटा कर ले क्वेश्चन को, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है। अच्छे से करेंगे तो एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारी आदत थोड़ी होती क्या है कि हम क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में सेव तो टाइम हो जाती है लेकिन आपका एक्यूरेसी सेव नहीं हो पाती, इसलिए टाइम को उतना ही सेव करें जितना में हम एक्यूरेसी को सेव कर पाएँ। तो कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए तो क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, एक्सेप्ट करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य के लिए भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, ठीक है। वह क्या कहलाती है, ठीक है। इनपुट कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। आप जानते होंगे कि इनपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी किसके हिस्से हैं, ठीक है। तो सभी जो हैं आपके किसके हिस्से हैं, किसके पार्ट्स हैं, तो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स। इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका मतलब चारों ऑप्शन बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यही कारण से मैं बोलता हूँ बार बार कि ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ें तब आंसर करें। डीएमआरसी का पूछा क्वेश्चन है। चलिए कहता है यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। सही बात है, इसमें जो भी सूचना, जो कोई भी सूचना स्टोर की होती है उस तक पहुँच सकता है। सही बात है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी कोई अपनी भावना चाह नहीं होती है, यह अप्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुँचाता है। अब देखें सिंपल सी बात है, लॉजिकल मशीन है कि नहीं आप जानते होंगे, ALU इसी का पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सूचना को स्टोर होता है कि नहीं, किया जाता है, उस तक पहुंच भी सकता है लोग, ठीक है। और इसमें कोई क्या भावनाएं होती है भाई, नहीं होती है, इसका मतलब नहीं होती है, लिखा भी हुआ है। इसका मतलब तीन ऑप्शंस क्या हैं आपके, तीनों ऑप्शंस सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी गलत है, और गलत ही हमें चुनना था। तो आंसर ए नहीं कि ए बी सी से चुनेंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी आंसर हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, क्या कहता है थर्ड, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं, अब ध्यान से पढ़िएगा, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर में प्रमुख रूप से दो कंपोनेंट, एक हार्डवेयर और क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर है CPU RAM, ठीक है। अब जानते हैं CPU RAM वगैरह क्या है, ये हार्डवेयर का चीज़ है, सॉफ्टवेयर का चीज़ है। लेकिन क्या हार्डवेयर के अंतर्गत CPU और RAM ही केवल आते हैं, नहीं। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं कौन अच्छा आंसर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत तो दोनों आते हैं, ठीक है। क्या क्या आते हैं, तो आपके क्या क्या आएंगे, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, अतः बी भी नहीं होगा। इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहने से केवल काम चल जाएगा, तो इसमें तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो होगा आपका क्या होगा, हार्डवेयर के अंतर्गत आने वाले डिवाइस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या करेंगे हम, आंसर नंबर डी, ठीक है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो होगा वह कंपोनेंट क्या होता है, कंप्यूटर का, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बनाता है, ठीक है। अतः आंसर इसका क्या हो गया, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए भाई कंप्यूटर के प्रमुख जो भाग हैं, ठीक है, वह कितने हैं, तो कंप्यूटर के प्रमुख 6 भाग हैं। कितने भाग, 6 भाग, ठीक है। यानी आंसर इसका क्या करेंगे, 6। अब देखिए कौन कौन 6 भाग हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप जानते होंगे इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, यानी
कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। अगली बात, इसमें सेकंड इनपुट डिवाइस, अगला क्या है, दो की चर्चा किया, तीसरा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट किसे कहेंगे थोड़ी चर्चा कर लें, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा की प्रविष्टि करवाते हैं, इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर करके सूचना में बदलता है। किसमें बदलता है, ध्यान दीजिएगा, सूचना में बदलता है, और सूचना में बदलने के बाद वह हमें एक रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है, और उसे हम देखते हैं जिस पे वह आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगली बात, इसे स्टोर कहाँ रखा जाता है, तो मेमोरी यूनिट में, रैम हो गया, रोम हो गया, यानी मेमोरी यूनिट हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज, कितने बोले पाँच, और छठा हो गया कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, तो कह दिए तो छह भाग, कितने भाग भाई, छह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा पद, कौन सा टर्म है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा टर्म, देखिए सीपीयू आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, सुने हो कि मदरबोर्ड खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, उसी तरह से हार्ड डिस्क भी एसडी क्या है आपका, तीनों है जो कंप्यूटर का पद है, जबकि एरिथ्रोसाइट्स, पारासाइट्स, ये सब क्या है, कंप्यूटर की टर्मोलॉजी है, नहीं है। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, सिंपल सी बात है, तो कह रहा है कि यदि वह सक्षम हो तो क्या करेगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, यदि वह सक्षम हो तो क्या करवाने में, तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने, ऑप्शन पढ़िए तब कीजिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अब इससे क्या मतलब है भाई कि कंप्यूटर हैक करना जानता है या नहीं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना जानता है नहीं, प्रोग्राम लिखना जानता है कि नहीं, सिंपल सी बात है, जो एप्लीकेशन को क्या करवाएगा, यानी रन करवा लेगा, जो एप्लीकेशन को रन करवाना सीख जाएगा, ठीक है, उसी को हम सिंपल सी कह देंगे कि क्या है, वह है जो कंप्यूटर का साक्षर व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है जो सबसे उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। अब देखिए, आपको हमने अभी बताया कि कंप्यूटर में जो डाटा है ठीक है, वह प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर कर करके किसे बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन में, अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी डाटा को, कंप्यूटर प्रोसेस करता है किसको, डाटा को, और किसे बदलता है, इन्फॉर्मेशन में, अतः आंसर क्या हो जाएगा अभी। चलिए फटाफट हम देखते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आपका भी समय मैं गंवा नहीं चाहूँगा, यदि आपको थोड़ा स्लो लगता है तो और स्पीड कर करके, दुगना स्पीड फीचर दिया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, आप इसकी स्पीड को दुगना कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। अब देखें, संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, चिन्ह व संख्या सूचना को कहा जाता है। अब देखें, हमने क्या बोला, आपको डाटा क्या आता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब सिंपल सा हो गया, क्या हो गया सिंपल सा, यह है जो दी गई क्या होता है, सूचनाओं को कहा जाता है डाटा। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया भाई, तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है। अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए, यदि आपने बीटेक वगैरह करी होगी, या फिर डिप्लोमा करा होगा, या आप 12th तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, तो उसमें एक बाइनरी वगैरह पढ़ना होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर ही आता है, तो कहने का मतलब है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत 12th में पढ़ा होगा बाइनरी के बारे में। तो कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वह कौन से नंबर पे, 0 और 1 पे कार्य करता है, 0 और 1 पे, इसी पे कोडिंग पूरा कंप्यूटर सिस्टम किया होता है, ठीक है, और इसी के तहत है जो पूरा कार्य का संपादन होता है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में जो होंगे, कंप्यूटर में क्या होंगे, डाटा होगा जो किस रूप में भंडारण होगा, तो आंसर करेंगे, आंसर बताइए जरा क्या होगा, बाइनरी नंबर में। चलिए बाइनरी क्या होगा, 0 और 1, 0 और क्या बताया हमने, 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, कच्चे तथा रा फैक्ट्स को बतलाता है, कच्चे तथा, अब बतलाया क्या, डाटा को हम प्रविष्टि करवाते हैं, तो खाना बनाने से पहले कोई भी सामान क्या होता है, कच्चा होता है, यदि उसे हम क्या कर दिए, प्रोसेस कर दिए तो किस में बदल जाता है भाई, सूचना में, अतः आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी प्रविष्टि के पहले डाटा रॉ मटेरियल होगा, और यह डाटा जब प्रोसेस हो जाएगा तो वह सूचना में बदल जाएगा, वह हो जाएगा रॉ मटेरियल, नहीं रहेगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता। अब देखिए, अच्छे से देखिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है। अब देखिए, अल्फा न्यूमेरिक डाटा
टाटा भी दो तीन प्रकार के, ठीक है, तीन प्रकार के। एक होगा अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट इसके अंतर्गत ए टू जेड तक के मतलब अल्फाबेट के अंतर्गत ए टू जेड तक के सिंबल होंगे, ए बी सी डी अप टू जेड, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा जीरो टू क्या होंगे, नाइन होंगे, और सिंबॉलिक डाटा जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सिंबॉलिक डाटा। इसका मतलब डाटा तीन प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के, डाटा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया भाई, क्या पूछा गया कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है, बाक और पैराग्राफ न्यूमेरिक डाटा की बात कर रहा है, नंबर एवं अल्फाबेटिकल करेक्टर, ग्राफिक फिगर, मानव ध्वनि, ध्वनि वगैरह संबंधित कुछ है नहीं, न्यूमेरिक का संबंध नंबर से है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा कहने का मतलब क्या, नॉन न्यूमेरिक डाटा कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा कहने का मतलब तो सिंपल सा बात होगी, अब बोलिए जिसमें क्या हो, डाटा नहीं हो, नंबर नहीं हो, नंबर नहीं हो, सॉरी, जिसमें क्या हो, नंबर नहीं हो। अब बोलिए कोई भी कर्मचारी होगा उसका पता भाई, उसमें नंबर होगा कि नहीं होगा, उसका रोड का नंबर, घर का नंबर, ये सब तो होंगे ही होंगे, ठीक है, उसका फ्लैट नंबर, तो नंबर तो होगा। परीक्षा के अंक में जानते हैं 99, 100, 80, ये सब क्या है, इसमें भी क्या होंगे, परीक्षा के अंक होंगे, डाटा है, इसका मतलब यह भी आंसर है। बैंक बैलेंस 1,000, 2,000 करोड़, 10 करोड़ ऐसा होता है, इसका मतलब इसमें भी डाटा का यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इन तीनों में से नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, और जब उपरोक्त सभी नहीं होगा तो इसका आंसर बतलाइए क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर ई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्या कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में, हमने क्या बताया, कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है भाई, डिजिटल डिवाइस, ठीक है, सॉरी, हाँ, कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस, आंसर क्या हो जाएगा, बी, आपको पता है। चलिए 13-14 क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड हमने क्या बताया कि पका हुआ भोजन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, पका हुआ होने के पहले वह क्या होता है, तो डाटा था, अब वह इन्फॉर्मेशन बदल गया, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को क्या करना है, तो कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा को क्या करता है, पक गया तो किसमें बदल जाता है, मतलब ये जल्दी से, यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई, यानी इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, अब मशीनरी उपकरण को क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, मशीनी जिससे कंप्यूटर बनेगा, मशीन होगा, तो वह क्या होता है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉरी, यह हार्डवेयर बोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या बोला जाएगा, हार्डवेयर बोला जाएगा, क्योंकि उसी से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, वे डिवाइसेस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, जिन्हें आप देख या छुपाते हैं, अब बोलिए देख या छुपाएंगे, सॉफ्टवेयर को, किसको, हार्डवेयर को, इसी को देख पाएंगे, छू पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, ठीक है, और इसी से कंप्यूटर का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का आंसर कीजिए, इसमें कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, अब हार्डवेयर का भाग कौन नहीं है, मॉनिटर है कि नहीं जिसको छू सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो चिप वगैरह यूज करते हैं उसे भी छू सकते हैं, कीबोर्ड जिसके द्वारा आप टाइप करते हैं, इसका मतलब ये तीनों को छू सकते हैं। अब देखिए लैन यहाँ पे बात किया गया है, क्या लैन, एल ए एन, अब देखिए लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन आप जानते होंगे, जो कि नेटवर्क का यह क्या है, टाइप। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, लैन। क्वेश्चन नंबर 20 को, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ, आगे क्या बोला, इनमें से कोई नहीं या मेन मेमोरी, तो आंसर इसका हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी भी होती है और कंट्रोल यूनिट भी होती है, अतः ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20 का 2। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ तथा महसूस किया जाता है, अभी क्वेश्चन आया, अभी किया हमने, ठीक है, क्या बतलाया आपको, छुआ या महसूस किसको किया जाता है, हार्डवेयर को, अतः 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, यही क्वेश्चन है ना, इसका मतलब छू सकते हैं, अभी चर्चा में आया, यानी ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है बताइए, हार्डवेयर नहीं है, किसको नहीं छूएगा, ठीक है, तो कीबोर्ड को, माउस को, रोम को या विंडोज को, अब बताइए कीबोर्ड को छूते हैं कि नहीं, इसका मतलब बताइए, इसको छू रहे हैं, ठीक है, इसको भी छू सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं, मेमोरी है, इसका मतलब, इसका आंसर, इसको नहीं छू सकते हैं, इसका मतलब यह है एक सॉफ्ट
बेयर प्रोग्राम है, और जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर जो हम करेंगे बताइए भाई क्या हो जाएगा, विंडो एक्सपी हो जाएगा। विंडो 10 वगैरह सुने होंगे, विंडो 7 सुने होंगे, तो यह है जो विंडो एक्सपी आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करें, कौन सा क्वेश्चन 24, निम्नलिखित कौन सा हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं इसका मतलब किसको नहीं छू सकते हैं। अब देखिए चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी, इन तीनों को छू सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, असेंबल, जैसे कहा जाता है प्रोग्राम को असेंबल किया जा रहा है, गैदर किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है असेंबलर, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब देखते हैं 25 को, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। अब देखिए तो सॉफ्टवेयर की बात करें भाई, ठीक है, किस चीज़ की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है, एक मिनट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी। हाँ, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर नहीं इसका मतलब क्या, जिसे हम नहीं छू सकते। माउस को छू सकते हैं, छूते हैं, ठीक है, मॉनिटर को छूते हैं, छूते हैं, प्रिंटर को छूते हैं, छूते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू हम चार्ट कर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, 25 क्वेश्चन, और इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, हम लोगों ने और भी ऑप्शंस को देखे, मीन्स चार चार ऑप्शंस को भी हम लोगों ने छांटा, इसका मतलब 25 चौके 100 हो गए। तो कहने का मतलब, वैसे 100 तो नहीं कह सकते हैं, इन इसमें क्वेश्चंस की रिपीटेशन वगैरह भी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये 25 क्वेश्चन एक बार भी वीडियो देखने के बाद याद हो गई होगी, ठीक है। यदि थोड़ी वीडियो स्लो रहे या स्लो लगे तो उसे क्या कर लीजिएगा, फीचर मतलब दुगना कर लीजिएगा, यदि फास्ट रहे तो थोड़ी स्लो कर कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपके लिए अवश्य ही फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इसमें टेक्स्ट के अंतर्गत की RRB LP विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन, मीन्स एग्जामिनेशन का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के समय हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़नी, जितने भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी कॉन्सेप्ट को लागू करवा देना हमारा कार्य है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो और यह मेरा सीरीज अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्त तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।